हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक संसद। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जो है संसद से रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिलता ही है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, HCS, ओके, तो उसके लिए आप PDF ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद में अगर हम बात करें तो जो भारतीय संसद है ये भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, भारतीय शासन में जो सर्वोच्च निकाय है वो कौन सा है? संसद है। संसद का जो उल्लेख है ये मिलता है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। इसमें जो है क्या दिया गया है, संसद के गठन का के बारे में, संरचना, उसका कार्यकाल, उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं, संसद को क्या क्या अधिकार प्राप्त और शक्तियों का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 79 की, 79 की। इसमें क्या कहा गया है कि संघ के लिए क्या होगी, एक संसद जो है होगी। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार ही संसद जो है किस किस से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, संसद का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद जो है किससे बनती है, कंप्लीट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, संसद में बताया गया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो कितने होते हैं, 545 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, और नामांकित होते हैं 2 सदस्य। ठीक है, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, और इससे रिलेटेड कुछ समितियां भी जो हैं होती हैं। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का काम क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का अगर कोई मतलब किसी विधेयक पे अगर मतभेद है तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है इन दोनों की बुला सकता है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, फिर बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 238 होते हैं, और नामांकित होते हैं 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है, और राज्यसभा में भी जो है कुछ समितियां जो है होती हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राज्यसभा। देखिए, संसद का जो उल्लेख है ये मिलता है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का मिलता है 80 में, याद रख लीजिए सरला। ठीक है, संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा का उल्लेख मिलता है 81 में। तीनों लाइन से आपको याद रखनी है, सरला। ठीक है, पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, इस तरीके से। तो 79, 80 और 81 इनमें जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम राज्यसभा की और संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राज्यसभा का जो उल्लेख है यह मिलता है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों के द्वारा होता है। 250 सदस्य जो है इसमें टोटल होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं अलग अलग फील्ड से होते हैं। देखिए, ये बताया भी गया है, ये वह होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। फिर बात आती है चुनाव की, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन आता है। तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लिया जाता है।
किसके द्वारा? राज्यसभा में कौन आते हैं? राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फिर बात आती है अवधि की, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो है कभी भी विघटन नहीं होता है, उसको मतलब खत्म नहीं किया जाता। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ठीक। इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इनके सदस्यों में से जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। मतलब जिनका 6 साल जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जिन जिन लोगों का, वो 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष बाद अपने पद से हट जाते हैं। और पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थान को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और कोई स्थान रिक्त होता है, तो इस रिक्त स्थान के लिए क्या होता है? उपचुनाव की भी वो है, मतलब उपचुनाव जो है होता है अगर कोई सदस्य त्याग पत्र देता है तो, ठीक। फिर है देखिए राज्यसभा के जो सदस्य है अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? सभापति को देंगे, और किसी भी समय वो अपना त्याग पत्र देकर सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा के अगर किसी सदस्य की योग्यता पर, योग्यता जैसे राज्यसभा के लिए योग्यता ही होती है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष का हो, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है योग्यताएं हो जो संसद के द्वारा बनाई गई हो, तो अगर उसकी योग्यता पर कोई सवाल उठता है तो ऐसे प्रश्न का निवारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। किसके परामर्श पर? सॉरी, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। चलिए, जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन वह सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, और राज्यसभा की बैठक में वह व्यक्ति सभापति के कार्यों का निर्वाह करेगा जिसे राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा या राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है लोकसभा की। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जो है वर्णन मिलता है। लोकसभा को अस्थायी सदन, प्रतिनिधि सभा, निमन सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी अधिकतम जो संख्या थी वो कितनी है? 552 सदस्य से मिलकर ये बनी, और 2026 तक ये कोई चेंज नहीं होगी, मतलब इतने सदस्य जो हैं लोकसभा में रहने वाले हैं, ठीक है। 552 में से जो 530 होते हैं सदस्य होते हैं राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 जो हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति जिन्हें कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए 552 में से 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन से होते हैं, ठीक है। निर्वाचित और प्रणाली, देखिए निर्वाचित होती है प्रत्यक्ष रूप से, प्रणाली प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, 2 एंग्लो इंडियन, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाया गया। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त कोई प्राधिकारी है तो वो शपथ जो है उन्हें दिलाएगा, ठीक है। लोकसभा में बहुमत किस तरीके से मिलेगा? 548 × 1/2, यानी कि जितनी भी सीट है उनका हाफ करके प्लस 1 जो है कर देना है, ठीक है, वो बहुमत का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया, यानी कि जो अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा का, ओके, उसको जो है बहुमत के द्वारा हटा भी सकते हैं। अब तक जो है 3 जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया गया है। कैसे? देखिए बहुमत कैसे निकाला है वो यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। अगर वोट जो है 548 का हाफ करके प्लस 1 और उसमें ऐड कर दें, मतलब आधे से ज़्यादा जो है आ जाए तो वहाँ पर जो है उसको हटा सकते हैं। तो अब तक 3 जो है लोकसभा अध्यक्ष हटाए गए हैं। कौन सा? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य न होने पर अपने अध्यक्ष पद से हट जाता है। मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो क्या होगा? अपने अध्यक्ष पद से हट जाएगा। लोकसभा का जो गठन है वो अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। इसका विघटन मध्यावधि चुनाव के लिए 5 से पहले कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे कार्यकाल 5 होता है, लेकिन जो है इसको, इसका विघटन भी जो है किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है, ओके। अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है।
1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर जो था पहली बार लोकसभा का विघटन हुआ था, यानी कि पूरे 5 साल हुए बिना ही जो था उसका विघटन कर दिया गया। फिर 1979 में चरण सिंह की सलाह पर किया गया, 1991 में चंद्रशेखर की सलाह पर, 1998 में इंद्र कुमार गुजराल और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर जो था लोकसभा का विघटन किया गया था। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ सकती है, तो 1 वर्ष के लिए, किंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक जो है ये नहीं बढ़ाई जा सकती है। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव होना भी आवश्यक है। जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होना आवश्यक है, और अगर आपातकाल लग जाता है तो लोकसभा की अवधि मान लीजिए जैसे 5 साल होती है ना, तो 1 साल और बढ़ सकती है, तो वो 6 साल हो सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 है तो सिर्फ 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 ही साल जो है वो बढ़ सकती है। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी है, 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे है, अगर लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद जो है रिक्त माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो चुना जाता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, और फिर बहुमत के द्वारा ही वो लोकसभा अध्यक्ष उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा तो वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है और बाद में जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में से शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में से शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामजद किया जाता है जो लोकसभा का सबसे अधिक उम्र का होता है। अब कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा का सबसे ज्यादा उम्र का होगा वो कार्यकारी अध्यक्ष होगा, और वही लोकसभा के सदस्य को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ओके, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ये विपक्ष दल का सदस्य होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष दल का सदस्य होगा। अब बात आती है लोकसभा को उसके पद से हटाना, लोकसभा को उसके पद से निम्न तरीके से हटाया जा सकता है। कैसे, अगर वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दे, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो खुद मतलब अपनी आप जो है अपना त्याग पत्र किसको दे दे, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष कौन होता है, जो विपक्ष दल का सदस्य होता है वो उपाध्यक्ष होता है। यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, मान लीजिए उसकी जो लोकसभा सदस्यता है वो समाप्त हो जाती किसी कारण से, तो भी वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हट जाएगा। यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटा दिया जाए, तो बहुमत हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि कैसे जो है निकाला जाता है, तो अगर उसे बहुमत नहीं मिलता है तो भी उसको लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ऐसे कोई संकल्प लोकसभा में पेश होने की सूचना की बहुमत वाला जो तरीका है ये 14 दिन पहले अध्यक्ष को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय किस कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति व लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। और दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के अयोग्य विनिर्णित कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए लोकसभा अध्यक्ष और जो था सॉरी लोकसभा और राज्यसभा हमने पढ़ लिया है। राष्ट्रपति हमने इससे पहले वाले में ही कवर कर लिया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें, अब जो है इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट बन रहे हैं। देखिए राज्यसभा की संरचना की अगर हम बात करें तो 250 सदस्य इसमें अध्यक्ष होते हैं, 238 राज्यों से और संघ राज्यों से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य इनसे जुड़े होते हैं। वर्तमान में 245 हैं, 229 राज्यों से है, 4 संघ शासित से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, फिर बात आती है राज्यसभा के चुनाव की, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है और सीटों को बंटवारा जो होता है ये राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। ठीक, फिर लोकसभा की अगर हम बात करें तो 552 सदस्य होते हैं, 530 सदस्य राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन, ये पढ़ चुके हम। ठीक है, वर्तमान में 545 सदस्य हैं, तो 530 राज्यों से और 13 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन है। लोकसभा का चुनाव जो होता है ये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। जनसंख्या के आधार पर अनुपात SC MST के लिए लोकसभा में सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा आरक्षित सीटों को 2001 की जनगणना के आधार पर नियत किया गया है, यानी कि लोकसभा में जो है SC और ST के लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित
की गई हैं। फिर बात आती है सदनों की अवधि की, तो राज्यसभा 1952 में ये पहली बार स्थापित की गई और ये एक स्थायी सदन है। एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा सदस्यों की पद अवधि 6 वर्ष होती है। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो आमतौर पर चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष तक रहती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे विघटित भी कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक अवधि तक नहीं रह सकता। ठीक है, सारे पॉइंट पढ़े थे तो इंपॉर्टेंट ऐड कर दिए। और देखिए अर्हताएं, देखिए मतलब योग्यताएं क्या है, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष। लोकसभा में एससी और एसटी सदस्य उस सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। देखिए जो आरक्षित हैं उनके लिए तो लड़ेगा ही, जो नहीं है उनके लिए भी, उन पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, देखिए ये क्या है, निर्हरताएं, चुनावी अपराध है चुनाव में भ्रष्टाचरण के तहत अगर दोषी पाया गया हो, किसी अपराध में उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की, मतलब निर्हरताएं क्या है कि जो जिनके बेस पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ओके, अगर किसी अपराध में उसको 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा न दे पाया हो, ठीक है, उसे विभिन्न समूहों में स्थूलता बढ़ाने आया और रिश्वत खोरी के लिए दंडित किया गया हो, छुआछूत दहेज व सती जैसे, अगर वो इन सब में है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ये इसमें बेसिकली कहा गया है। ठीक है, किसी सदस्य के उपयुक्त निर्हरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा यदि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेना आवश्यक है। मतलब इसमें भी जो है डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं लड़ सकता है, राष्ट्रपति का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा उसमें। ठीक है, और राष्ट्रपति का फैसला भी तभी जो है सही होगा जब वो निर्वाचन आयोग से राय लेगा। फिर आता है दल बदल के आधार पर निर्भरताएं, ये 10वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन आता है दल बदल से रिलेटेड। अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, ठीक है, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो मतलब ये दल बदल के अंडर जो है माना जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय को निर्णय दिया गया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब उच्चतम न्यायालय सभापति के उसकी समीक्षा कर सकता है। फिर बात आती है स्थानों की रिक्त होने की, दोहरी सदस्यता, अगर किसी सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन से भी चुन लिया जाए तो पहले वाले सदन में उसका पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होगा, अन्यथा क्या होंगी, दोनों सीटें जो है खाली मानी जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति संसद एवं राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, ठीक है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। फिर आता है शपथ एवं प्रतिज्ञान, तो संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपने स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना पर समस्त सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, यदि अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है तो वो अध्यक्ष पद खाली माना जाएगा, पढ़ चुके हम ये, ठीक है। फिर मतदान की बात होती है तो अध्यक्ष अपना प्रथम मत केवल उसी स्थिति में दे सकता है जब उसे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है। अध्यक्ष हमेशा अपना निर्णायक मत देता है जब मतदान क्या हुआ हो, बराबर हुआ हो, तब वो जो है अपना निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने में वह निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक। जब अध्यक्ष पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष पीठासीन नहीं रहता, वह लोकसभा में बोल सकता है, उसकी कार्यवाही भाग से ले सकता है तथा अपने प्रथम मत का भी प्रयोग जो है कर सकता है। लोकसभा में विघटित होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक जो है पद धारण करता है। उसके बाद आती है भूमिका, शक्ति और कार्य, वह गणपूर्ति कोरम पूरा न होने पर सदन को जो है स्थगित कर सकता है। वह सामान्य स्थिति में मत नहीं देता लेकिन निर्णायक मत जरूर देता है, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, और ये हम पढ़ चुके थे दल बदल उपबंध। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जाती है और न ही आलोचना। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता, अध्यक्ष। उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही जो है चुना जाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदन के जीवन पर्यंत अपना पद जो है धारण करता है, ठीक है।
देखिए 11वीं लोकसभा में इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल और उपाध्यक्ष जो है मुख्य विपक्षी दल को, कौन सी लोकसभा में, इस 11वीं लोकसभा में इस पर सहमति हुई थी। ठीक है, उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वहां पर उपाध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेता है। जी वी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और एम वी अयंगर जो थे प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाता है तो जी डी मावलंकर थे जी वी और एम वी अयंगर पहले उपाध्यक्ष थे। प्रोटेम स्पीकर, देखिए सामयिक अध्यक्ष, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति खुद प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। वह लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है, जैसे जो हमने कार्यकारी अध्यक्ष पढ़ा था वो वाली चीज। और कौन होता है वो जो सबसे बड़ी उम्र का जो होता है उसमें। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का जो है पद खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। राज्यसभा का सभापति, देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति ने अपना प्रथम मत दे सकता है और ना ही सभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया में अपना मत दे सकता है। सभापति केवल निर्णायक मत जो है दे सकता है। सभापति के हटाए जाने की प्रक्रिया में सभापति सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और कार्यवाही में हिस्सा ले, किंतु मत नहीं दे सकता। मतदान बराबर होने की स्थिति में भी वह मत नहीं दे सकता है। राज्यसभा का उपसभापति की बात करें तो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना सभापति चुनती है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। ठीक है, उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान प्रथम मत नहीं दे सकता, वह केवल निर्णायक मत दे सकता है। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह ही होता है और बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता था, मतदान की स्थिति में भी वह मत दे सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, याद रखिएगा। ओके, आगे हम पढ़ लेते हैं विधेयक क्या होता है। तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है, यानी कि जो कानून का कानून बना के जो प्रेजेंट किया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक दो तरीके का होता है, एक सरकारी होता है और गैर सरकारी। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पेश करते हैं कानून उसको विधेयक बोला जाता है। और गैर सरकारी कौन सा होता है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य न हो वो जो पेश करेंगे वो गैर सरकारी हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है एक सामान्य विधेयक होता है और दूसरा धन विधेयक होता है। सामान्य विधेयक क्या होता है, जो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ओके, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में जो है पुनः स्थापित किया जाता है। सामान्य विधेयक जो है पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति जो है उस पर लेनी पड़ती है, लेकिन धन विधेयक ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती उसको पेश करने से पहले। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, मतलब सामान्य विधेयक में अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद बनता है, किसी बात पर सहमति नहीं होती है उस विधेयक पर, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा में ही जो है पुनर्स्थापित किया जाता है। लोकसभा ये जो है इस पर क्या कहते हैं फैसला लेती है, तो संयुक्त बैठक का तो बात ही नहीं बनती है। तो इसीलिए राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति बाध्य है कि उसे स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, चलिए फिर आता है वित्त विधेयक। प्रत्येक वित्त विधेयक जो होता है धन विधेयक नहीं होता, पर धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। वित्त विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, इसे राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक। देखिए दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, लेकिन राज्यसभा में इसको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, और संयुक्त बैठक का भी जो है प्रावधान है वित्त विधेयक पर। याद रखिए हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। ठीक है, चलिए अब आता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। ये अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि से देखिए क्या जाते हैं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सभापति उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष और इनके वेतन भत्ते भी ये संचित निधि से। भारत सरकार पर भारित ऋण और उनका ब्याज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये सब कहाँ से जाते हैं, जो भारत की संचित निधि है वहां से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा संचित निधि पर भारित किया जाए। ठीक है, फिर आती है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। इस निधि से व्यय करने की शक्ति जो है किसमें होगी, सिर्फ राष्ट्रपति में होगी। ओके, फिर संसदीय शब्दावलियां हैं कुछ, जैसे प्रश्नकाल है। संसद के प्रत्येक सदन का कार्यक्रम का प्रारंभ जो होता है
प्रत्येक सदन के कार्यक्रम का प्रारंभ ये किस से माना जाता है? प्रश्नकाल से होता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई है बैठक की उसका जो फर्स्ट आवर होगा उसको प्रश्नकाल बोला जाता है। ओके, और प्रश्नकाल का जो समय होता है ये 11 से 12 बजे तक, यानी कि जो बैठक की स्टार्टिंग होती है वो 11 से 11 बजे होती है, तो 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको प्रश्नकाल जो है बोलते हैं। ठीक है, फिर शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के ठीक के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ठीक मतलब जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ उसके बाद कौन सा काल शुरू हो जाएगा? शून्यकाल। ओके, ये 12 से बजे से शुरू होता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोकहित के प्रश्न जो है पूछ सकता है। इसकी अवधि अधिकतम 1 घंटे की जो है होती है। इसमें लोकहित के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और अवधि 1 घंटे की, यानी कि 12 से 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं तारांकित व अतारांकित प्रश्न। ये प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जिनका अंतर मौखिक रूप से दिया जाता है वे तारांकित प्रश्न है, जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाए वे अंतारांकित प्रश्न होते थे। याद रखिए, तारांकित जिसका प्रश्न मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए मौखिक, ओके, मौखिक रूप से दिया जाए, और जो अतारांकित होते हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं उनके उत्तर। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें सदन से वॉकआउट कर तथा गणपूर्ति का अभाव जो है पैदा कर भी विधेयक अपना विरोध प्रकट कर सकता है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव होता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा, यानी कि कौन लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग? जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके चुने हुए सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा के उसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए, यानी कि जो है जो कोरम होता है वो पूछा गया है कि कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो कुल सदस्यता का 1/10, 1/10। ठीक है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि जो बिल है ये मुद्रा बिल है या नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है, जो धन विधेयक है वो है या नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव करके जो है उसको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है, तो संसद में निहित होती है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के, हमने पढ़ा भी था ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। संसद की जो लोकलेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, ओके, चलिए एक और चीज ये याद रखिए, जो ये लोकलेखा समिति होती है ये एक वित्त समिति होती है। ठीक है, समितियों में अगर हम बात करें तो कुछ स्थायी समितियां होती हैं और कुछ अस्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समितियां में जैसे वित्तीय समितियां आ गई, जो जांच समिति होती है वो हो गई, सेवा समिति हो गई, सदन समिति हो गई, अन्वेषण समिति होगी, ये स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, और अस्थायी समितियां होती है जैसे कोई मामला है उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक समिति बना दी गई वो हो जाएगी। ठीक है, या फिर संयुक्त समिति जो बनाई जाती है वो अस्थायी समितियां होती है। तो जैसे वित्तीय समिति है इसमें प्राकलन समिति एक पूछा जाता है, लोकलेखा समिति हो गई, या लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति कह लीजिए, ये सारी क्या है वित्तीय समितियां हैं। इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों, याद रखिए तीनों ही क्या है वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है, तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति जो है करता है। ठीक, कौन सी समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, तो प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोकलेखा समिति को, और दोनों ही क्या है ये वित्तीय समितियां हैं। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख द्वारा, तो ये लोकलेखा समिति की अध्यक्षता की जाती है। भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी कमेटी है वो कौन सी है, प्राकलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है, तो यह संसद के पास है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि रुपए 100 कम कर दी जाती तो उसे क्या कहते हैं, उसे सांकेतिक कटौती बोला जाता है।
जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर संसद का सदन का विशेष अधिकार भंग किया तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके रुपए एक करने संबंधी प्रस्ताव को कहा जाता है पॉलिसी में असहमति की कटौती। ठीक है, चलिए और देखते, देखिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ये कहां से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से जो है ली गई है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान यहां पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है ये कहां से लिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा ये जो है लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाए। ओके, यहाँ पे पूछा है राज्य विधानसभा में, ओके विधानसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए ना कि 21 वर्ष, तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ग्राम पंचायत के लिए 18 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम लिखिए। एक तो लोकसभा होती है और दूसरी विधानसभा होती है। लोकसभा और विधानसभा जो होती हैं अस्थायी सदन होते हैं, और राज्यसभा और विधान परिषद जो होती है ये स्थायी सदन होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? ओके, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, ओके इसके लिए संसदीय समिति जो होती है वो होती है लोक लेखा समिति। ठीक है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? ये मैंने आपको बताई थी, लोक लेखा भी है, प्राकलन भी है, लोक उपक्रम भी है। तीनों ही जो हैं क्या हैं? वित्तीय समितियां हैं। और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? प्राकलन समिति की जुड़वां में है। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? देखिए, लोक लेखा भी है, प्राकलन भी है, लोक उपक्रम, क्योंकि वित्तीय जो समिति होती है वो स्थायी समिति होती है। अस्थायी कौन सी होती है? जैसे वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति होगी, ये अस्थायी हो जाएगी। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भी हमने पढ़ा था, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है ये नियुक्त किया जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये विपक्षी दल का जो नेता होता है वो होता है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा की पूछा है तो 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का है यहाँ पे, तो 6 वर्ष, एक मिनट, ठीक है 6 वर्ष जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का तो 6 वर्ष की। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की, तो ये भी हो जाएगा संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानून को कौन बनाता है?
संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति या देखिए ये हो जाए, हाँ ठीक है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य बताना है क्या होता है, विधानमंडल का, तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है जो कानून होते हैं उनको अधिनियमित करना। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, समापन का मतलब पूछा गया है क्या होता है, तो समापन का मतलब किसको कहते हैं, मतलब संसद के स्तर का जो अंत होता है उसको समापन बोला जाता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं, तो ये अध्यक्ष लोकसभा का डिसाइड करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है, अवशिष्ट अधिकार, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा अवशिष्ट अधिकार वो हो जाएंगे जिनको केंद्रीय सूची राज्य सूची या इनमें शामिल नहीं किया जाए, मतलब किसी भी सूची में जिनको शामिल ना किया जाए वो अवशिष्ट अधिकार हो जाएंगे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, केंद्रीय विधानमंडल का पूछा है, तो विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे ओके संसदीय प्रकार की सरकार की जो विशेषता है वो बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसद के प्रति जो है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो संसदीय सरकार में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ओके यहाँ पे भी वही पूछा गया है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है बुलाना जरूरी है, तो दो बार। संसद के किसी सदन के दो स्तरों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, तो भंग करना भी है, स्थगन भी है, आमुख भी है, बर्खास्त करना नहीं है। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या बोला जाता है, देखिए स्थायी समिति नहीं बोल सकते, उसको तदर्थ समिति बोला जाता है। ठीक है, तदर्थ समिति मीन्स अस्थायी समिति या एडहोक कमेटी जिसको बोलते हैं वो जो है हो जाएगा। ठीक है, तदर्थ बोल सकते हैं, अस्थायी बोल सकते हैं या एडहोक कमेटी भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक, आगे है मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं बिना विभाग के मंत्री भी और राज्य मंत्री भी, कैबिनेट सचिव जो होता है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव पढ़ने के लिए 6 माह की अवधि जरूरी है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करे, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है जो कि सही है, तो देखिए इसके उल्लेख जो है नहीं है, ये बिल्कुल सही है, संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट इसमें ये बोला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्तियों का प्रस्ताव समर्थन, ये भी गलत है, या केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। तो 1 और 4 जो यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में, क्योंकि मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है उसका, मतलब जिम्मेदार होती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो ये होता है वित्त विधेयक। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, ओके भारतीय संसद जो है किस तरीके से कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो अगर, या फिर राष्ट्रपति जो है ना देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण, तो ये है 4थी अनुसूची में। ठीक है, किस सदन में नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है,
ओके, किस सदन में अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे, तो राज्यसभा में, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय संसद की पूछी है तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसमें राष्ट्रपति भी जो है शामिल है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, तो कटौती। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है एक बार, 1975 में बढ़ाया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया था। भारत में किस किस स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा जो है नहीं किया जा सकता, तो संसद की स्वीकृति के बिना। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद द्वारा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है देता है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 249। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्ति और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पारित किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 550 हो सकती है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, नहीं, हाँ मीरा कुमार लोकसभा की। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, तो जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है लोकसभा। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने जो है वाचन होते हैं, तो 3 वाचन होते हैं। इसके दौरान आधिक्य बजट की जो थी संस्तुति की गई थी, आधिक्य बजट की, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेजी के दौरान। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय होता है उसको बोला जाता है, पहले का समय नहीं, क्योंकि जो पहला होता है वो तो प्रश्नकाल ही होता है, सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ओके। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा जो है प्रक्रिया समाविष्ट जो है की गई है, तो जो चर्चा होती है वो शून्यकाल, ठीक है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिन तक, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते कौन निर्धारित जो है करता है, तो जो भी वेतन भत्ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के, ये निर्धारित करता है संसद। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है ये पूछा है, तो वो है शून्यकाल। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हुए दोनों में बोल सकता है, तो वो हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है, तो विधानमंडल। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष जो था दिया गया था, तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था 1954 में। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर जो है होना चाहिए, तो ये अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइम होता है ये 6 महीने भी हो सकता है, 6 महीने से कम भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, संसद और संविधान साधन नहीं है, विधिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, राजनीतिक या सामाजिक, तो विधिक न्याय के नहीं है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण को गणपूर्ति क्या है, तो 1/10 है, 1/10 जो है यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है, लोकतंत्र की पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिक को प्रमुखता देने की है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, ये कहा था डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो बस याद रखिएगा, एक तो जो मेनली जैसे ये एसएससी में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस या अलग अलग स्टेट्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, लोकसभा के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, इनके लिए 25 वर्ष होती है। राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, 30 होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, इनके लिए कितनी होती है? 35 होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर एक क्वेश्चन आया था कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? ओके, तो ये था 31वां संशोधन, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। 31वें संशोधन द्वारा क्या कर दी गई, जो लोकसभा की सदस्य संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर 545 जो थी कर दी गई थी। ओके, और वर्तमान में जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 552 जो है हो सकती है, और 2026 तक जो है यही जो है रहने वाली है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अंगल भारतीय समुदाय जो है इसके सदस्य मनोनीत करने की शक्ति पूछा गया है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, 2 सदस्य जो है वहाँ से चुन सकता है। ठीक, तो बस यही जो थे इसमें पूछा गया, बोले गए थे। एक जो पूछा गया ना कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से जो जो क्या कहते हैं संशोधन हुए वो कौन कौन से थे, तो वो 7वां संविधान संशोधन था और 31वें संशोधन अधिनियम था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है कि कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन था वो किस जनगणना पर आधारित है? तो ऊपर हमने पढ़ा भी था वो कि 2026 तक तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी जो राज्यसभा लोकसभा की जो सीटें आवंटित की गई राज्यवार। ओके, 1971 की जनगणना पर जो है ये आधारित है, ये बस याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए 2026 तक ये ऐसे के ऐसा रहेगा। उसके बाद आता है कि राष्ट्र लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, तो हमने पढ़ी थी लोकसभा में कुछ सीटें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है आरक्षित हैं, तो वो कितनी कितनी है ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित स्थानों की संख्या है वो कितनी है? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं किस अनुच्छेद में, तो 330 में है। ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश यूपी में जो है सबसे ज़्यादा हैं। लोकसभा में जो है यूपी की सीटें हैं 80 और राज्यसभा में है 31 सीटें। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बिहार की, लोकसभा में अगर देखें तो बिहार में है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद, कितनी सीटें हैं? 40 हैं। ठीक, हरियाणा में अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और राज्यसभा की 5 है। ठीक, दिल्ली में पूछा जा सकता है फिर, तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। दिल्ली में लोकसभा की सीटें आ सकता है, डीएसएसबी का पेपर है तो 7 सीटें हैं दिल्ली में। ओके, चलिए ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि पीसीएस में भी पूछे गए और एसएससी में जो पूछे गए थे वो मैंने सारे आपको करा दिए गए हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।